मेरे बिना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। विदर्भ वर्धा एसटी में जली अवस्था में मिला शव, हत्या की आशंका जताई जा रही है। तहसील के पांडुना जंगल शिवार में जली अवस्था में व्यक्ति का शव बरामद होने से हड़कंप मच चुका है। परिवार वालों में शोक की लहर गुंज उठी है। उक्त वाकया रविवार की दोपहर 2:30 बजे सामने आया हुआ है। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंक देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव के पास सुसाइड नोट बरामद होने से प्रकरण को अलग मोड़ दिए जाने की चर्चा है। वहीं शव को बुरी तरह से जलाया गया है। सूचना मिलते ही आष्टी के थानेदारों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मृतक का नाम अमरावती वरुण निवासी अविनाश नामदेव वानखेड़े यह दर्शाया जा रहा है। वहीं मृतक के पास दुपहिया भी पाई गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं तिलसा में नाबालिग ने खाया जहर। एक 16 वर्षीय नाबालिग को जबरन मोटरसाइकिल पर अपने घर में ले जाकर उसका बलात्कार किए जाने की घटना सामने आई हुई है। यह वारदात के बाद इस नाबालिग ने जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया हुआ है। तिलसा पुलिस ने आरोपी ऋषिकेश वड़तकर मोजरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तीसरी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में भीषण ठंड के साथ कोहरे का कहर। रेलगाड़ी के साथ कई उड़ानें हुई प्रभावित। घने कोहरे की वजह से दिल्ली से आने जाने वाली करीब 30 ट्रेनों में देरी से चल रही है। साथ ही कई उड़ानों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर नॉर्मल ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ CAT-3B सिस्टम से लैश विमान ही लैंड कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।